Hello everyone, akshata this side. Welcome to my channel AK Interior Design. Today I'm here with a very important topic that is design style. And the very important style we are going to see today is modern design style. So without wasting our time, let's jump right into it. So today we are going to see the modern design style. Modern design is an interior design style characterized by a monochromatic color palette, clean lines, minimalism, natural materials, and natural light. It refers specifically to a historical aesthetic movement that took place during the early to mid 20th century. Though it is often confused or used interchangeably with the term contemporary design, मॉडर्न डिजाइन इज इट्स ओन डिस्टिंग अभी इस मॉडर्न डिजाइन स्टाइल में कुछ हमें यहाँ पे दिए हैं बेसिकॉर्ड विच वी है मॉडर्न डिजाइन स्टाइल ओकेटेन दीज प्रिंसिपल या फिर हम कह सकते हैं द रूल्स A given over for the design style of modern then we can achieve this modern design style into our spaces okay so we're going to see one by one but the modern design style kaise pata chali hume? so it refers specific, uh, specifically to a historical aesthetic movement that took place during the early to mid 20th century so mid 20th सेंचुरी में जो भी आर्टिफैक्ट्स uh, फर्नीचर जो भी था वो हमारे पास मॉडिफाई या फिर इवोल्यूशन होके जो आया है अभी नाउ दोज आर्टिफैक्ट्स फर्नीचर्स वी आर यूजिंग इन मॉडर्न स्टाइल इसीलिए हम उसको मॉडर्न डिजाइन स्टाइल कहते हैं ओके इन सिंपल वर्ड्स इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस बेड पहले के जमाने में दिस बेड वॉज नॉट द सेम विच इज लुकिंग राइट ना इस बेड का स्ट्रक्चर कुछ अलग था लाइक इट हैज बिग लेग्स। नीचे इसके बहुत बड़े लेग्स थे देन अपॉन दैट द वुड देन द मैट्रस राइट और उसकी बेडबैक भी बहुत बड़ी थी नॉट द वे विच इज प्रेजेंट राइट नाउ ओके सो ये जो बेड है दिस इज द इवोल्यूशन वन विच इज राइट योर So this bed comes into modern, which is already modified, and now we are using such paintings, such chairs, which are modified now. Okay, and even the side tables. Side tables, you In older times, we just uh, we were putting some cabinets, drawers, and some storage um, spaces for the. साइड टेबल्स राइट बट नाव डीज इन मॉडर्न डू इज लाइक हमें चाहिए इसलिए हम उसको सिंपल में देते हैं, विदाउट नो स्टोरेज, स्टोरेज सिर्फ आप यहाँ पे ऊपर कर सकते हो नीचे कुछ नहीं सो so, थोड़ा सा एस्थेटिक इसमें लुक्स देने के लिए फंक्शनल मतलब फर्नीचर फंक्शनल थोड़ा सा कम होता है बिकॉज uh, हम इसको मिनिमल भी रखते हैं ओके सो थोड़ा सा इसको मेंटेन करने के लिए इसके कुछ प्रिंसिपल्स है वो हमें देखने पड़ते हैं देन द मॉडर्न डिजाइन स्टाइल इज अचीव ओवर देर ओके सो इन दिस इमेजेस यू विल फाइंड ऑल दिस प्रिंसिपल्स आर मेंटेन बट फर्स्ट विल सी वन बाय वन ऑफ इट सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू कि वो क्या होते हैं एंड हाउ टू मेंटेन दट टू अचीव दिस डिजाइन स्टाइल सो नेक्स्ट Defining elements of modern design. be defining elements, these principles, keh hu, those are the elements, basic elements of modern design style. Ke. To achieve this modern design style, we have to use it and you must use it. If you don't, then sorry, you will not achieve the modern design style where you wanted to achieve it. Okay? So, the very first important basic principle or the element. is the clean lines, okay? So modern homes are are constructed with clean straight lines and minimal ornamentation. iska kya matlab hai Clean lines, ये तो बहुत ही basic element है, इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में जल्दी आ जाएगा. So clean lines are nothing but जहाँ पे आपको straight lines, horizontal lines, जहाँ पे आपको clearly visible हो, वो कहते हैं हम क्लीन लाइंस ओके लाइक द कर्टन कर्टन्स में तो हम हर डिजाइन स्टाइल में अचीव कर सकते हैं बिकॉज व्हेन वी फोल्ड द कर्टन्स या फिर हम कर्टन के प्लेट्स जब हम साथ में लाते हैं ऑफ कोर्स वी विल अचीव द स्ट्रेट लाइंस बट यहाँ पे भी हो रहे हैं सो वी विल ऐड दिस एंड इट ओके देन द हॉरिजोंटल लाइन्स विच वी हैव अचीव इन द क्वेशनिंग ओके

अप्लाई द वाइट लूवर उसमें भी स्ट्रेट लाइंस होते हैं तो वो लगा के भी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइंस में अचीव कर सकती थी बट इन दिस इमेज यू विल फाइंड इवन द कैबिनेट्स इन द किचन उसके भी स्ट्रेट लाइंस हमें क्लियरली विजिबल है ओके सो यहाँ पे क्लियर क्लियर है कि क्लीन लाइंस कैसे दिखते हैं इन मॉडर्न डिजाइन एंड हाउ यू कैन अचीव इट यू कैन अचीव थ्रू फ्लोरिंग टेक्सटाइल इवन द आपके सोफा सेट का जो बैक साइड होता है इवन द चेयर चेयर्स में भी अगर आप कुछ अपहोल स्ट्री डाल रहे हो उसमें भी आप टेक्सटाइल में आप अः uh, हॉर्जोंटल या फिर वर्टिकल जो है लाइन्स क्लियर लाइन्स क्लीन लाइन्स आप यूज कर सकते हो

स्पेस बिलो दिस चेरकेस यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन्स अचीव की है इवन इन द रग इवन इन द रग ऑल्सो दे हैव अचीव सो ऐसा आपको कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप किस किसी भी चीज में एड नहीं कर सकते सो देर इज नो लिमिटेशन टू एड और टू अचीव द क्लीन लाइन्स ओके इवन द पेंटिंग विच इज पुट ओवर योर इन दिस इमेज आप उसमें भी देख सकते हो द क्लीन लाइन्स आर विजिबल ओके सो द बेसिक प्रिंसिपल ये पहला प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो कि क्लीन लाइंस अगर आप अचीव करेंगे किसी भी वकेंट स्पेस में किसी भी थ्रू आपका आर्टिफैक्ट हो आपका कुशनिंग हो आपका सोफा सेट आपका रग आपका टेबल आपका फर्नीचर फ्लोरिंग जो भी हो अगर आप उसमें क्लीन क्लियर विजिबल लाइंस डालते हो तो आपको मॉडर्न डिजाइन स्टाइल का जो बेसिक एलिमेंट है वो वहां पे अचीव हो जाएगा ओके सो नेक्स्ट मिनिमल होम डेकोर मॉडर्न स्पेसेस आर फ्री फ्रॉम क्लटर एंड अननेसेसरी फ्लरिशेस और यहां पे फंक्शनैलिटी ओवर फैशन ओके जो प्रायोरिटी हम कह सकते हैं कि मॉडर्न डेकोर में प्रायोरिटी ज्यादा किसको दे जाती है कि फंक्शनैलिटी फैशन को नहीं दी जाती ओके okay? पे मिनिमल डेकोर है मिनिमल डेकोर क्या मतलब ये है कि आपको जो डेकोर आइटम्स या फिर आपका जो फर्नीचर है आपका जो आर्टिफैक्ट्स है ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आर गोइंग टू बी इन मिनिमल मिनिमल का मीनिंग है लिमिटेड ऑल योर फर्नीचर ऑल योर योर कुशनिंग या फिर उसके टेक्सटाइल वो थोड़ा सा मिनिमल में जाना चाहिए लिमिटेड में इफ यू एड सम डिफरेंट इफ यू ट्राई टू एड समेरी डिफरेंट लाइक इफ आई एड अ ब्लू कलर ऑन दिस टाइल्स अगर इस टाइल्स में मैंने ब्लू कलर लिया होता तो यहाँ पे मैं बहुत ही मतलब वियर्ड लुक अचीव होता है मुझे बहुत ही वियर्ड लुक इवन इन सोफाज इफ आई एडेड येल्लो कलर ये मॉडर्न डिजाइन स्टाइल फिर डिस्टर्ब हो जाती बिकॉज कलर इज ऑल्सो नॉट मेंटेन उसका वार्म कलर्स में ज्यादा इफेक्ट uh, मुझे दिखता एंड इवन अगर मैं मिनिमल की बात करूँ इफ आई ट्राई टू एड नीचर हुई है एंड यहाँ पे भी और एक कुछ यहाँ पे और एक सोफा एड करती बड़ा सोफा ओके एंड इवन ये जो स्पेस है आपको यहाँ पे वेकेंट दिख रही है इफ आई एड समिट इन टू इट फंक्शनैलिटी वहां पर कम होती और फैशन ही ज्यादा दिखता तो मैं मिनिमल होम डेकोर का जो एलिमेंट है बेसिक एलिमेंट वो मैं वहां पर अचीव नहीं कर सकती थी ओके, सो मिनिमल का मतलब है कि वॉट एवर द फर्नीचर द डेकोर पीस, दैट मस्ट बी लिमिटेड टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल होम डेकोर ओके और हम मॉडर्न डिजाइन स्टाइल में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं फंक्शनैलिटी फंक्शनैलिटी मतलब आपका क्लाइंट अगर ये चाहता है कि मुझे स्टोरेज चाहिए फैशन या फिर लुक्स लुक्स तो हर किसी को चाहिए बट अगर आपका क्लाइंट कहना चाहता है कि मुझे लुक्स चाहिए बट लिमिटेड बट आई वॉन्ट द फंक्शनैलिटी मोर फंक्शनैलिटी मतलब इस सोफे पे मुझे स्टोरेज uh, चाहिए इसके नीचे सो so वो एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी fun हम कह सकते हैं इवन दिस टेबल इफ द क्लाइंट आई सेट फंक्शनैलिटी मोर इन दिस टेबल कि मुझे स्टोरेज चाहिए इस टेबल में सो so वो हम फंक्शनैलिटी उसमें ऐड कर सकते हैं सो so, ये हो गया द प्रायोरिटी ओवर फैशन ऑफ फंक्शनैलिटी ओके इन दिस इमेज ऑल्सो यू विल फाइंड द मोनोक्रोमैटिक कलर पैलेट इज अचीव्ड। मोनोक्रोमैटिक कलर पैलेट मतलब कि एक ही कलर के फैमिली हमने यूज की है इफ आई हैव यूज्ड ग्रे कलर उसका लाइट कलर में कहा यूज कर सकती हूँ उसका ब्राउन कलर का शेड टेंट टोन्स में कहीं पे भी यूज कर सकती हूँ सो आई कैन यूज द फैमिली ऑफ वन कलर एवरी वे ठीक है मैं यहाँ पे ब्लू कलर फिर यहाँ पे पेंटिंग uh, में येलो कलर फिर uh, इस जार में ग्रीन कलर ऐसा ऐड नहीं कर सकती टू में मोनोक्रोमैटिक कलर बेसिक एलिमेंट

द न्यूट्रल कलर्स अभी मॉडर्न डिजाइन स्टाइल और डिपिक करने के लिए हम कौन सा कलर यूज करें क्या हम येलो कलर यूज कर सकते हैं क्या हम ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं या फिर कोई और कलर ओके okay? सो so, ये जानने के लिए आपको कलर पैलेट ये क्या होता है आपको पहले पता होना चाहिए अभी कलर पैलेट ये है कि एक साथ आप चार कलर ले सकते हैं या फिर आप तीन कलर ले सकते हैं जो हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स सप्लीमेंट्री कलर्स जो हम ये कहते हैं ये कंसेप्ट वो पहले आपको क्लियर होने चाहिए नाउ व्हाट डज इट मीन ऐसे कलर व्हील में हम वो एडजस्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कलर्स बट नाउ इन दिस मॉडर्न डिजाइन स्टाइल हम डिरेक्टली प्राइमरी या फिर सेकेंडरी कलर्स यूज नहीं करते विच इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड। यू कैन नॉट यूज डायरेक्टली योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर्स इन टू योर मॉडर्न डिजाइन स्टाइल यू हैव टू ऑलवेज यूज द पेस्टल टोन्स ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कलर्स नाउ वॉट डज़ द पेस्टल टोन्स मी पेस्टल टोन्स का मतलब होता है इफ आई टेक ब्राउन कलर डार्क ब्राउन कलर अगर मैं ये फॉर एग्जाम्पल दिस कलर इफ आई टेकन आई विल गेट द लाइटर शेड ऑफ द्राउन तो ये हो गया मेरा एक कलर पैलेट का एक कलर एड हो गया ओके इफ आई एड मोर वाइट कलर एंड टू इट आई गेट अनादर दिस ब्राउन ये हो गया और एक कलर एड मेरे कलर पैलेट में ध्यान okay? so में रखना है कि आपको पेस्टल आप डार्क में भी जा सकते हो इफ आई एड ब्लैक इन टू दिस ब्राउन तो मुझे थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर मिलेगा ओके okay? आप ब्लूज में भी जा सकते हो बट यू कैन नॉट गो इन सच ब्लूज ये इस कलर के ब्लू में आप नहीं जा सकते मतलब ये जो कलर है सेकेंडरी प्राइमरी ऐसा कलर होते हैं तो डायरेक्टली यू कैन नॉट यूज सच कलर्स आपको उसमें थोड़ा सा ब्लैक या फिर वाइट मिक्स करना ही है सो दैट इट वुड लुक लाइक पेस्टल पेस्टल कलर्स होने चाहिए वो लाइक like दिस ये जो सारे कलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना ये पूरे जो कलर्स है दीज ऑल गो इन टू योर पेस्टल कलर्स पेस्टल कलर्स इसलिए क्योंकि हम उसमें टोन्स इवन योर शेड्स आर क्रिएटेड मॉडर्न स्टाइल स्टीर्स क्लियर ऑफ ब्राइट कलर्स इन फेवर ऑफ मोनोक्रोमैटिक न्यूट्रल कलर पैलेट थिंक वाइट बीच ग्रे ब्लैक एंड पेस्टल टोन्स सो पेस्टल ए क्लियर

ओपन फ्लोर प्लान में यूज फंड ओपन प्लान होम फॉर एग्जाम्पल किचन आईलैंड कैन सेपरेट अचन फ्रॉम द डाइनिंग रूम एंड सेक्शनल सोफा कैन ब्रिंग डेफिनेशन टू एन ओपन लिविंग रूम नाउ ये जो है डेफिनेशन ओपन फ्लोर प्लान की ये अचीव करना हर जगह पे पॉसिबल नहीं होता बिकॉज यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेस विच इज गिविन टू यू सो ओपन फ्लोर प्लान इज नॉट अचीव एवरी टाइम ओके इट इज पॉसिबल वेन द स्पेस वॉन्ट्स यू टू अचीव इट ओके सो यूज फर्नीचर इंस्टेड ऑफ इसका मतलब है लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिविंग रूम है ओके दिस इज द लिविंग एरिया एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया ये जो है ये अलग अलग है राइट right? पर इनके बीच में वॉल क्रिएटेड नहीं है इनको अलग अलग दिखाने के लिए ओके okay? सो so, यहाँ पे हम क्या कर सकते है कि यू कैन एड सम फर्नीचर इन टू एड इंस्टेड वॉल्स सो इनस्टेड ऑफ एडिंग अग वॉल इन टूट आई कैन एड फर्नीचर है ये एक बल्जीशिएट टू डिफरेंट एरिया ओके यहाँ पे लिविंग रूम यहाँ से कट हो रहा है थोड़ा सा और ये स्टेर जो है स्टेयर भी उसको इस एरिया को एक सेक्शनल पार्ट बना रहा है जिसमें आप डाइनिंग एरिया दूसरे एरिया में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एंड इवन द लिविंग एरिया दूसरे एरिया में आप बना सकते हैं सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बिग बिग वॉल्स यू कैन ऐड फर्नीचर लाइक इवन मैं और एक चीज कर सकती थी कि यहाँ पे मैं एक स्टोरेज यूनिट बना सकती थी इन द हॉरिजोंटल वे और वहाँ पे मैं अपनी क्रॉकरी यूनिट या फिर Uh, जो भी मेरा थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन स्टाइल में जो भी मेरी आर्टिफैक्ट्स है या फिर वॉट एवर द एस्थेटिक मटेरियल या फिर एस्थेटिक क्राफ्टिंग uh, जो है वो मैं वहां पे ऐड कर सकती थी इवन आई वुड हैव डन ओके सो आप ये कर सकते हो दिस विल अचीव मॉडर्न डिजाइन स्टाइल एंड इट विल यू नो मेक अच्छ की हाँ बिग बिग वॉल्स कैन ऑल्सो एड फर्नीचर to differentiate between two spaces another you can see in this image um, this is the living area and this is a kitchen area okay so kitchen area and living area is being differentiated but how here 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 so what is given फर्नीचर इज गि एंड वॉट इज दट फर्नीचर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये आईलैंड है या फिर हमारा किचन एंड दिस इज द लिविंग एरिया सो दीज टू स्पेसिस आर टोटली वॉल बट बाई यूजिंग अ फर्नीचर इंस्टेड ऑफ वो ये एक बेसिक एलिमेंट है एंड आई थिंक इट क्लियर टू यू ऑफ वॉल्स आप फर्नीचर यूज कर सकते हो टू में डिफरेंस लाने के लिए ओके नेक्स्ट लो एंड लॉन्ग फर्नीचर ठीक है लॉन्ग फर्नीचर पीसेस सिचुएटेड लो टू द ग्राउंड कैन गिव योर होम अ मॉडर्न लुक if they are also made from natural materials like unpainted wood or metal leather and fabric upholstery wood veneers such as those used to create the classical mid-century modern ames chair glass chrome steel and concrete are also popular finishes for modern furniture. okay so a b or aise elements hair just say. आप मॉडर्न डिजाइन स्टाइल को और डिपिक्ट कर सकते हैं एंड मॉडर्न स्टाइल आपके घर में या फिर आपके क्लाइंट के हिसाब से आप अचीव कर सकते हैं सो वॉट इज लॉन्ग फर्नीचर पीसेस ओके लॉन्ग फर्नीचर पीसेस अभी ये फर्नीचर पीसेस आप किस में अचीव कर सकते हो आप uh, किसी भी कैबिनेट या फिर किसी भी स्टोरेज यूनिट में लाइक like दिस या फिर एल शेप सोफाज में भी विच इज अ लॉन्ग फर्नीचर यूनिट ओके एंड लो टू द ग्राउंड अभी ये जो फर्नीचर है इफ यू फाइंड सम फाइन्फरें ये जो सोफा है आ, पहले के समय में इन द देंचुरी जो सोफाज थे उनको बहुत बड़े लेग्स थे नीचे और फिर वो थोड़े से ग्राउंड uh, से एक थोड़ा सा लेवल था कि वो थोड़े से ऊपर थे ओके इट हैज सम हाइट बट नाउ डेज इट इज मॉडिफाइड वो थोड़ा सा इवोल्यूशन हो गया है इन द सेटिंग्स ऑल्सो नाउ इन मॉडर्न डिजाइन स्टाइल उसके सेटिंग्स जो है वो लो लाइंग में है लो लाइन मतलब उसकी जी जो सेटिंग का है वो थोड़ा सा लेवल घटा दिया है विच कम्स नियरली इक्वल टू योर कॉफी टेबल या फिर सेंटर टेबल ट okay, यूनिट्स so, या फिर आप uh, कह सकते हो दिफरेंट सेन सी दोज ऑल्सो कम अंडर द लोड द ग्राउंड यूनिट्स ओके एंड दिस यू कैन अचीव इन योर मॉडर्न डिजाइन स्टाइल और जब आप ये अचीव करते हो देन यू विल अचीव इनडली यू विल अचीव योर मॉडर्न डिजाइन स्टाइल ऑल्सो ओके, सो इट गिव्स अ मॉडर्न लुक टू योर हाउस इवन यू कैन यूज नेचुरल मटेरियल्स लाइक अनपेंटेड वुड अब अनपेंटेड का मतलब ये मत ये मत सोचना कि वो अनफिनिश्ड है मतलब जो वुड हम डायरेक्टली पेड़ से तोड़ के या फिर आर्टिफिशियल वुड हो वो अगर हम बिना घिसे उसको सिर्फ उसके कैबिनेट्स बनाकर डोर्स बनाकर उसके हिंजेस लगाकर, डायरेक्टली आपको देते हैं इसका मतलब वो नहीं होता अनपेंटेड मतलब उसको फिनिश तो किया जाता है पर उसको जो फिनिश जो फिनिश या फिर हम जो कोटिंग कह सकते हो जो वुड पे हम नॉर्मली देते हैं इट इज़ नॉट गिवन ऑन दैट वुड या फिर उस मटेरियल पर ओके लाइक द वन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दिस इज वन पीस ऑफ दैट ये अनपेंटेड वुड है ये फिनिश तो किया है घिस ओके okay? इसको अच्छे से उन्होंने शेप दिया है, इट इज़ इज़ ये दिस द वेरी ब्यूटीफुल कैबिनेट विच इज मेड बट इट इज़ अनपेंटेड मतलब नैचुरल है उसका मटेरियल पूरा नैचुरल है ओके सो दिस इज द अनपेंटेड वुड मटेरियल एंड आप इसमें मेटल भी अचीव कर सकते हैं इन द मॉडर्न डिजाइन स्टाइल लाइक द मेटल इज इन स्लाइडिंग डोर्स ओके इवन इन योर कॉफी टेबल सेंटर टेबल्स यू कैन अचीव मेटल्स इन डो इट द नेक्स्ट लेदर एंड फैब्रिक अपहोलिस्ट्री सो लेदर मतलब हम प्योर लेदर तो भी कहीं नहीं मिलता बट द आर्टिफिशियल वन यू गेट बट यू विल फाइंड मोस्टली लेदर सोफाज पहले यूज करते थे नाउ इट इज बीन मॉडिफाइड इन टू अदर फैब्रिक्स ऑल्सो सो अदर फैब्रिक्स आप यूज कर सकते हो लाइक दिस वन सो टेक्सटाइल्स में तो बहुत वेराइटी है बट लेदर जो है वो आइडेंटिटी है मॉडर्न डिजाइन स्टाइल की सो द दिस पिक्चर डिपिक्स ये जो यहाँ पे सोफा uh, सेट है इसमें आपको लेदर सोफा सेट दिखेगा ओके एंड द

वुड विनीर्स वुड विनीर्स इज दिस वन ओके सो यहाँ पे वुड विनीर्स का मतलब होता है कि नेचुरल वुड जिसमें आपको वुड के ग्रेन्स दिखेंगे एंड दोज ग्रेन्स डिपिक्ट नेचुरल लुक ऑफ योर पैनलिंग यहाँ पे अभी पैनलिंग किया है इसलिए इसको हम पैनलिंग थ्रू वुड विनीर्स का जो नेचुरल लुक है वो हम अचीव कर सकते हैं वुड विनीर्स का uh, ये एक हम कह सकते हैं कि एक क्लासिकल रोल है उनका कि वो अपने हिसाब से खुद को बहुत नेचुरली लुकआउट uh, करते हैं ओके व्हेन यू अप्लाई दिस आपको दिखेंगे कि लाइक ये नेचुरली कट करके अभी लाया है एंड अभी इट इज बिन पेस्टेड इस पे कुछ प्रोसेस नहीं किया है ओके okay, उसको ऐसे

और उसमें क्लासिकल लुक्स दिए है कुछ मिड सेंचुरी के आइडियाज यूज करके उसमें थोड़े से मॉडिफाइव थोड़े से मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन करके हमारे पास आए हैं ओके सो चेयर्स में भी एम्स ऑफ वराइटीज एंड इसमें हम ग्लास भी यूज कर सकते हम क्रोम भी यूज कर कंक्रीट आर आल्सो पॉपुलर फिनिशेस फॉर मॉडर्न फर्नीचर ओके okay, सो so इसमें आप ग्लास यहाँ पे अचीव किए हैं इन द स्लाइडिंग विंडोज ओके इवन द क्रोम क्रोम आप देख सकते हो द क्रोम मेटल यहाँ पे यूज किया है ग्लास तो यूज किया है क्रोम तो यूज किया है देन स्टील ऑल्सो स्टील यू विल फाइंड एवरीवेयर इट इज यूज ओके एंड कॉन्क्रीट और फर्निशर्स फॉर मॉडर्न फर्निचर्स एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मेनी पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज की मॉडर्न okay. में और कंटेम्पररी डिजाइन स्टाइल में क्या डिफरेंस है सो इट इज वेरी सिंपल

वो हमारे पास ट्वेंटी सेंचुरी का जो भी सामान था फर्नीचर आर्ट इफेक्ट योर थिंग्स योर ऑब्जेक्ट्स, टेक्सटाइल्स पैटर्न एनी थिंग इट वुड बी वो हमारे पास इवोल्यूशन मॉडिफाइड करके आया है हमारे पास एंड नाउ ऑल थिंग्स वी आर यूजिंग एज मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स, राइट और कंटेम्पररी का मीनिंग होता है द ऑब्जेक्ट्स विच नाउ वी आर मेकिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल जो चेयर एक पर्सन ने अगर चेयर ऐसी नई लुक में कुछ बनाई एंड दो चेयर आर गोइंग ट्रेंडी ट्रेंड में है वो अभी अभी मैंने इसी साल वो चेयर मैंने बनाई और इसी साल मैंने वो चेयर हमारे डिजाइन में डाली ओके okay. और फिर अगली बार अगर उसी कारपेंटर ने और एक कुछ फर्नीचर बनाया और मैंने वो भी फर्नीचर मेरे डिजाइन में डाला और वो अभी ट्रेंडिंग है सो so, जब वो फ्यूचर के हिसाब से बदल रहा है ओके कंटेम्पररी इज लाइक इट इज चेंजिंग विद द टाइम ओके सी वेरी मोमेंट इन टाइम मतलब वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है इफ आई टोल्ड माई कारपेंटर आई वॉन्ट समथिंग न्यू एंड इफ ही समथिंग न्यू लाइक चेयर में थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको कंफर्ट जोन थोड़ा सा बढ़ा के और एस्थेटिक लुक्स थोड़ा सा कम करके इफ इज मेकिंग समथिंग गुड कंफर्ट चेयर फॉर मी देन आई यूज दैट चेयर इन टू माई डिज़ाइन और वो मैं इतना ट्रेंडिंग बनाऊँगी कि लोग उसे यूज करें अपने डिज़ाइन में सो दैट विल बिकम अ ट्रेंड ओके फिर उसका उस चेयर का ज़माना बाद में जाएगा और एक चेयर नया चेयर मार्केट में आएगा वो भी ट्रेंडिंग होगा सो दैट इज कंटेम्परेरी डिजाइन दैट इज विद टाइम दैट फ्लो यू गो ओके आप उस फ्लो में जाते हो एंड दैट फ्लो यू मेक द डिजाइन ओके अभी ये जो इमेज है यू विल फाइंड दिस इज द मॉडर्न डिजाइन स्टाइल इसमें थोड़ा सा आपको ओल्ड ट्वेंटी सेंचुरी के लुक्स दिखेंगे बिकॉज ये तो मोनोक्रोमेटिक कलर हो गया ओके okay, इसकी कलर पैलेट मेंटेन है उसके बाद स्टील क्रोम जो भी है वो अचीव्ड है चेयर uh, में भी वो नेचुरल मटेरियल इज यूज ओके यहाँ पे भी वॉल वो डाल सकते थे बट इन ऑफ दैट दे हैव अचीव द फर्नीचर ओके ओपन फ्लोर प्लान के लिए एंड यू विल फाइंड आर गिवन फॉर द कैबिनेटरी यूनिट्स एंड सो ये थोड़ा सा इवोल्यूशन होके हमारे पास आया है okay so this is the modern one but agar aap trending mein jaoge abhi trending mein kya chal raha hai push to open cabinets abhi wo bahut trending hai so that will come into contemporary am modern mein bhi aap push to open cabinets डाल सकते हो, ऐसा कोई compulsion नहीं कि आप नहीं डाल सकते, but that will be the fusion of these two ओके okay, अगर आपको फ्यूजन करना है इन दोनों का यू कैन मेक इट इट इज नो नॉट एट ऑल कंपल्शन कि आप सिर्फ पुश टू ओपन कंटेम्पररी डिजाइन में डाल सकते हो देर इज नॉट एट ऑल एनी कंपल्शन सच दैट सो क्या है कंटेम्पररी की अगर मैंने कुछ ऐसा अभी बनाया और मैंने वो यूज किया अपने डिजाइन स्टाइल में फिर बाद में मैंने और कुछ बनाया सो ऑन टाइम जो भी है वो ट्रेंडिंग में जो जा रहा है एंड व्हेन आई यूज इट इन टू माई डिजाइन स्टाइल फिर अगली बार कुछ नया आ रहा है एंड देन अगेन नेक्स्ट टाइम एंड ट्रेंड ओके आई एम गोइंग टाइम एंड ट्रेंड दैट इज योर कंटेम्पररी डिजाइन स्टाइल बट मॉडर्न इज लाइक यू हैव टू यूज यू हैव टू मेक यूज ऑफ द मॉडर्न

ये ऑलरेडी मॉडिफाइड हो गया है और इसमें मैं चेंजेस नहीं कर सकती दिस इज द लिमिटेड वन बट द कंटेम्पररी जैसे जैसे ट्रेंड में आएगा जैसे जैसे और कुछ इसमें एड ऑन होगा वैसे वैसे डिजाइन इसकी और चेंज होती जाएगी ओके सो okay? so, इसका बहुत ही बड़ा डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड कंटेम्परे सो दिस इज डन सो थैंक यू एवरी वन if you have understood that is all well and good if you have understood my um, the teaching of modern design style and i hope you have liked this video and this will i think this will make all your doubts related um, the difference between modern and contemporary design style your doubts clear if you uh, properly listen to what i have said और मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया इफ यू गेट दिस इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए इफ़ यू वॉन्ट द सेम वीडियो इन मराठी लैंग्वेज You can also comment me in the comment section so that even I can add this video in Marathi language because some of my subscribers don't understand uh, English, yeah, for some subscribers don't understand Hindi. So for them, I can make the same video in Marathi also, or some people which don't know Hindi also, I can make the full video in English also. So don't worry. So please go through the whole video. Do not skip anywhere. Because everything is important. Or uh, if you skip any any part of this video, you will not get the concept of modern design style. So stay tuned for the next video. Thank you. Please do not forget to like, share, and subscribe. Thank you.